स्टूडेंट्स, यस्टरडे इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन एंड दैट इज़ अ फोर्स. बेसिकली इन लॉज ऑफ मोशन वी डिस्कस द फोर्स, व्हाट इज़ अ फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. बिकॉज फोर्स कॉजेज मोशन, सो ऑब्वियसली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि भाई मोमेंटम क्या होता है और फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है. तो मैंने आपको बताया कि मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, P इज इक्वल टू एम इन टू वी, और फोर्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम, F इज इक्वल टू डी पी वाई डी टी. डी पी इज द चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इंटरवल डी टी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. ओके स्टूडेंट, सो अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट इज दिस, के फोर्स एंड मोमेंटम आर रिलेटेड टू ईच अदर विद F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी और F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. तो मतलब क्या होता है कि वेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट्स मोमेंटम चेंजेस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो स्टूडेंट्स, यू हैव हर्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देर आर सम कंजर्वेशन प्रिंसिपल इन फिजिक्स लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सो दीज कंजर्वेशन प्रिंसिपल आर वेरी यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये बहुत काम आते हैं हमारे, जितने भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होते हैं. तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कॉन्स्टेंट. कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट का मतलब अगर किसी फिजिकल क्वान्टिटी में कोई चेंज नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये कंजर्व है, ये सेम है. तो मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम और बॉडीज. और अगर किसी सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा बॉडीज हैं तो वो सिस्टम बन जाता है. और आइसोलेटेड का मतलब होता है नो फोर्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ नो फोर्स एक्ट then its momentum remains constant. मतलब क्या होता है, momentum remains constant, मतलब अगर किसी system पे किसी body पे कोई force ना लगे तो उसका linear momentum constant रहता है. ठीक है, जैसे suppose bullet is fired from the gun, बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम द गन. सो हमने एक बुलेट और गन का सिस्टम ले लिया तो उसका जो मोमेंटम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग चेंज रहेगा. सपोज ट्रॉली इज मूविंग एंड ए चाइल्ड रनिंग चेजिंग द ट्रॉली सडनली जंप, तो मोमेंटम बिफोर जंपिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग. ठीक है, हॉकी का कोई गेम है या फुटबॉल का गेम है, प्लेयर्स एंटेंगल कर जाते हैं एक दूसरे को, तो मोमेंटम बिफोर एंटेंगलिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एंटेंगलिंग. तो मतलब होता क्या है कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल ही फोर्स है, ये इसको एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं क्योंकि हम, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करेंगे. सो अगर एफ एक्सटर्नल हमारा जीरो है, मतलब ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा. लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट का मतलब ये है कि मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा. तो मतलब इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, सो क्या होगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो. सो यहाँ से डी पी इज इक्वल टू जीरो, तो अगर हम इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल मैंने आपको बताया था डी पी का इंटीग्रल पी हो जाएगा और जीरो का इंटीग्रल कॉन्स्टेंट होता है क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है. इंटीग्रल जीरो का कांस्टेंट होता है और P इज इक्वल टू एम वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो V इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो यहाँ पर वही बात आ गई कि अगर फोर्स नहीं लग रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं. सिंपल सा फंडा है, कोई नई चीज़ नहीं है. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि अगर किसी बॉडी पे किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है. यहाँ पर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. क्या एग्जांपल है, सपोज ये बॉल है m1 मास का मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी u1 और ये दूसरा बॉल है m2 मास का मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी m2.
इफ यू वन इज ग्रेटर देन यू टू तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एम वन एम टू मास की ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। अगर पीछे वाली बॉल का वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो कोलाइड करेगी, और कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी चेंज हो जाता है एम वन का वी वन और एम टू का वी टू। ओके स्टूडेंट्स, सो दे मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। तो अगर मुझे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है, ये बॉल M1 और M2 का एक सिस्टम है जिस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि फोर्स नहीं लग रही है, ये कंडीशन है। अगर आपसे कोई पूछे कि मोमेंटम कंजर्वेशन का स्टेटमेंट बता दो, तो आप यही सबसे पहले मेंशन करोगे कि अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर कोई फोर्स ना लगाया जाए तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हमने ये M1 M2 मास की दो बॉडी का एक सिस्टम कंसीडर किया जिस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, और कोलिजन के बाद इनका वेलोसिटी V1 और V2 हो जाता है। तो राइट, तो अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम कितना हो गया M1 U1 प्लस इसकी दूसरी बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया M2 U2। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हुआ है, जब कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हुआ है तो मोमेंटम कितना हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। राइट, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजर्व। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का। तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, बुलेट को फायर करते हैं तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अगर कोई बच्चा रन करते हुए ट्रॉली पे जंप कर जाता है, मोमेंटम बिफोर जंपिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर जंपिंग। अगर मान लो फुटबॉल में दो प्लेयर एंटेंगल कर जाते हैं, लड़ जाते हैं आपस में और फिर गिरते हैं अलग से, तो मोमेंटम बिफोर एंटेंगलिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एंटेंगलिंग। सो इस तरह से मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है। तो एक क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, ठीक है, यहां पर जो एग्जांपल एक और है, वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, ठीक है। सो सपोज देर इज ए गन, ओके, एंड बुलेट इज फायर्ड, देर इज ए गन, गन का मास हमारा कितना है, गन का मास है मान लो हमारा 5 किलोग्राम, ठीक है, और एक ये बुलेट है, बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हम कैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये कॉमनली एग्जाम में पूछी भी जाती है कि ये बुलेट है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, गन का मास 5 किलोग्राम है, बुलेट का मास 50 ग्राम है, बुलेट इज फायर्ड विद 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया जाता है। आपसे पूछता है फाइंड द वेलोसिटी विद विच, फाइंड द वेलोसिटी विद विच गन रिकॉइल्स। मतलब क्या होगा, जब बुलेट आगे जाएगी तो बुलेट का मोमेंटम आगे है तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, तो गन पीछे जाएगा, तो गन का जो वेलोसिटी है रिकॉइलिंग का मान लो वो वी है, मतलब झटका लगता है ना, आपने देखा भी होगा, मतलब अगर कोई बंदा, अगर कोई बुलेट फायर करता है, अगर कोई बंदूक चलाता है तो बुलेट आगे जाती है और बंदूक में पीछे झटका लगता है, तो पीछे झटका क्यों लगता है, क्योंकि बुलेट का मोमेंटम आगे है और मोमेंटम हमारा कंजर्व रहना है, तो जब मोमेंटम हमारा कंजर्व रहना है तो जितना बुलेट का मोमेंटम आगे होगा उतना ही गन का मोमेंटम पीछे होगा, क्योंकि मोमेंटम टोटल होना है हमारा जीरो, तो मोमेंटम जब टोटल जीरो होना है तो हम क्या करेंगे, इसका बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम इक्वल कर देंगे, या हम सिंपल जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग।
ओके अब देखो, फायरिंग करने से पहले दोनों रेस्ट में थे, जब फायरिंग नहीं हुई थी तो दोनों रेस्ट में थे, तो बुलेट का भी मोमेंटम जीरो और गन का भी मोमेंटम जीरो। फायरिंग करने के बाद बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया, 50 × 200, प्लस गन का मोमेंटम कितना हो गया, मास गन का 5। अच्छा ये 50 ग्राम में है ना, एसआई यूनिट में हम यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल में हम हमेशा यूनिट्स को एसआई सिस्टम में लेते हैं, तो दिस ग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, ये किलोग्राम में, और इसकी वेलोसिटी मान लो वी है, तो ये कितना आ गया 5, ओके, और ये हो गया 10, सो ये हो गया -10/5 इज इक्वल टू कैपिटल वी, तो कैपिटल वी इज इक्वल टू -2 m/s। सो यहाँ पर जो गन की वेलोसिटी होगी वो -2 m/s होगी, और आप ये देखें यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो 2 m/s वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। अगर बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फायर करते हो तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में जाना कि हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा मोमेंटम किसी भी टाइम पर इक्वल लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग मोमेंटम को इक्वेट किया और ये निकाल लिया कि भाई गन कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल करती है। ओके, अब इसमें इसके बाद एक और फिजिकल क्वांटिटी आती है और वो है इम्पल्स। क्या है वो इम्पल्स, स्मॉल टर्म है, आपने क्लास 9th में भी शायद पढ़ा होगा इम्पल्स, वैसे इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इस पे भी पूछ लिया जाता है। इम्पल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब फोर्स बॉडी पे लगती है तो कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो बहुत कम टाइम के लिए लगती हैं। ओके, जैसे मान लो आप फुटबॉल का खेल रहे हैं तो फुटबॉल को आप हिट करते हो, किक करते हो फुटबॉल को, तो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगता है, फॉर ए सेकेंड और फॉर ए मोमेंट और 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड टाइम के लिए। ठीक है, क्रिकेट का जो बैट है वो बॉल को हिट करता है तो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगता है। ठीक है, या मान लो सडनली कोई सीमेंटेड फ्लोर पे गिर जाए तो जब गिरेगा तो बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगेगा। तो जो स्मॉल फोर्सेस लगते हैं, मतलब इम्पल्स क्या होती है, जो फोर्सेस लगते हैं बहुत कम टाइम के लिए, उनको बोलते हैं हम इम्पल्सिव फोर्सेस। क्या बोलते हैं उनको, इम्पल्सिव फोर्सेस। और इम्पल्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, और इम्पल्स क्या होती है, द फोर्स इफ ए फोर्स एक्ट्स फॉर ए स्मॉल टाइम, ठीक है, देन इम्पल्स इज इक्वल टू, इफ ए फोर्स एक्ट्स फॉर ए स्मॉल टाइम देन इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। तो कई बार इसका सिंबल, जनरली वैसे तो कोई सिंबल नहीं है क्योंकि ये कम ही यूज होता है, लेकिन जे से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जे इज इक्वल टू एफ डी टी, या टोटल निकालना है तो इसको इंटीग्रल भी कर देते हैं। तो मतलब क्या होता है, फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट। अब आप यहाँ से एक चीज देखो, हमने क्या लिखा था, न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और F इंटू डेल्टा T किसके बराबर आ गया, डेल्टा P के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, कई बार मोमेंटम देके, मास और वेलोसिटी देके इम्पल्स पूछ लेता है, तो ये हमारा इम्पल्स, ये किसके बराबर, ये क्या है, F इंटू डेल्टा T तो इम्पल्स है, तो मतलब क्या होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है। तो इम्पल्स के स्टूडेंट्स दो फॉर्मूले हमारे आ गए, एक तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल और एक चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इस बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, आपको याद रखनी है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने क्या किया, हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर लिया, हमने उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल किया और ये इम्पल्स कर लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पल्स निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स की ही हमें ज़रूरत पड़े, हम चेंज इन मोमेंटम से भी इम्पल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एक और मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारा थोड़ा वेक्टर का भी फंडा क्लियर होगा। तो आप देखें इस क्वेश्चन को, ये क्या है, राइट साइड में लिखा हुआ है, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज, देखो जरा, ए बॉल इज मूविंग
विद मोमेंटम 5 kg/s, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यहाँ पर आपके वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्शन में या वेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो जो मैंने वेक्टर का किया था जो हमने वेक्टर का चैप्टर कवर किया था तो उसमें आप उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, उनके जो वीडियोज़ हैं उनको देख लें तो आपको वेक्टर के सिंप्लीफिकेशन का स्टूडेंट आइडिया हो जाएगा। ए बॉल मूविंग विद मोमेंटम 5 kg/s स्ट्राइक्स अगेंस्ट ए वॉल एट एन एंगल 45° विद हॉरिजॉन्टल एंड रिफ्लेक्ट्स बैक एट सेम एंगल विद सेम स्पीड, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। देखो हाउ टू सॉल्व, मतलब विद हॉरिजॉन्टल एंड रिफ्लेक्ट्स बैक स्ट्राइक्स ए वॉल। सपोज दिस इज ए वॉल, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल वॉल हो गई। वॉल वर्टिकल होती है और सरफेस हॉरिजॉन्टल होता है, तो इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर, दिस इज 45 डिग्री, और इसका जो मोमेंटम है P इज इक्वल टू कितना है, 5 kg/s से ये स्ट्राइक करती है, ठीक है, और ये इसी एंगल पर वापस भी आ जाती है और इसी स्पीड से, तो स्पीड सेम है, मास भी तो सेम होगा, तो ये मोमेंटम भी सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 kg/s। सो आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम बताओ कितना होगा, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, तो बताओ कितना होगा, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, आप बता सकते हैं क्या, मतलब 5 kg/s इनिशियल मोमेंटम है और 5 kg/s फाइनल मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, कितना हुआ चेंज इन मोमेंटम, अगर 5 kg/s इनिशियल है और 5 kg/s फाइनल है तो चेंज कितना हुआ, जीरो, नहीं जीरो नहीं होगा, ये कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये आलू गोभी की तरह नहीं जोड़ना, इसको आलू गोभी की तरह इसलिए नहीं जोड़ना क्योंकि ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री है इधर और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो हम ऐसे चेंज नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, हम इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे पी आई, और चेंज जो होता है डेल्टा पी जो होगा, जो डेल्टा पी होगा, जो चेंज इन मोमेंटम पूछा हुआ है वो होगा पी एफ माइनस पी आई। अब इनिशियल मोमेंटम मेरा, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर होता है तो हम उसको रिजोल्व करके आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं, ये टू डायमेंशनल वेक्टर है तो हम इसको सीधा प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैं इसको रिजोल्व करूँगा, ये यहाँ पर मेरा हो गया 5 cos 45 डिग्री और ये इधर कितना हो गया 5 sin 45, ये मैंने रिजोल्व कर लिया इनिशियल मोमेंटम को, तो मेरा इनिशियल मोमेंटम हो गया, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, तो ये हो गया मेरा 5 cos 45 डिग्री आई कैप, और ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो इधर प्लस एक्स एक्सिस होती है, इधर वाई होती है, इधर माइनस एक्स और इधर माइनस वाई, तो ये नीचे की तरफ है मेरा और ये हो गया -5 sin 45 j कैप। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कॉमनली मिस्टेक करते हैं। ये मैंने अपना इनिशियल मोमेंटम टोटल लिख लिया वेक्टर फॉर्म में, मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ी, वेक्टर फॉर्म में लिखने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरा जो मोमेंटम वेक्टर था वो ना तो वर्टिकल था ना हॉरिजॉन्टल था, वो 45 डिग्री के एंगल पर था, तो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया ये कॉस कंपोनेंट में और इधर साइन, चूंकि मेरा टोटल इस तरह से है तो हॉरिजॉन्टल प्लस एक्स के अलोंग जाएगा और वर्टिकल माइनस वाई के अलोंग जाएगा, माइनस वाई में यूनिट वेक्टर जे होता है, प्लस एक्स में यूनिट वेक्टर आई होता है, तो मेरा इनिशियल मोमेंटम वेक्टर हो गया 5 cos 45 डिग्री आई कैप -5 sin 45 डिग्री j कैप। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos 45 की वैल्यू √2i कैप -5/√2 j कैप, तो ये मेरा हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कितना होगा, देखो फाइनल में ये ऐसे है तो मैं इसको कैसे रिजोल्व करूँगा, इधर हो गया मेरा 5 cos 45 डिग्री और ये इधर हो गया 5 sin 45 डिग्री। इसको ध्यान रखना है आपको, ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसका है और ये इसका है, तो P फाइनल ये इधर है टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, सो -5 cos 45 डिग्री आई कैप। अब ये तो माइनस में ही है, -5 sin
45 डिग्री, जे कैप इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, -5/√2, आई कैप -5/√2, जे कैप। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, पीएफ, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं तो कैंसिल हो जाएंगी, ये तो कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस 5 और 5 कितना हो गया, 10/√2, मतलब इस इक्वेशन में से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये दोनों, ये जो फर्स्ट और सेकंड है तो ये सिमिलर टर्म है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -5 -5 -10/√2, तो ये मेरा आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर मेरा जो वेक्टर क्वांटिटी आई है -10/√2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -5/√2 आई कैप। तो जो मोमेंटम में जो चेंज हुआ है ना स्टूडेंट्स, वो मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर हुआ है, जो नेट चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो इसलिए आपने देख लिया कि हमारा मोमेंटम चेंज आ गया -5/√2 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी में। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर मेरे को लिखना हो इस तरह से या इस तरह से, तो मैं लिख दूंगा 5√2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन किधर है इसकी, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट, मतलब ये वॉल के साथ 0.1 सेकेंड, मतलब आपसे कहा जाए कि ये 0.1 सेकेंड तक वॉल के कॉन्टेक्ट में रहा, तो कितना फोर्स इनने लगाया वॉल के ऊपर, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना है, -5√2 आई कैप अपॉन 0.1, सो -50√2 आई कैप। ओके, तो अब ये भी पूछा जाता है कई बार कि इस पर कितना फोर्स लगा, मतलब बॉल को जब वॉल से स्ट्राइक कराया 45 डिग्री के एंगल पर, तो बॉल पर फोर्स लगा -50√2 आई कैप। इसका मतलब ये हो गया कि टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बॉल पर फोर्स लगी, इधर बॉल पर, बॉल को जब दीवार से हिट किया तो बॉल पर फोर्स लगी इधर दीवार के अपोजिट। ओके, और दीवार पर किधर फोर्स लगी, दीवार पर फोर्स लगेगी इधर इसके अपोजिट, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होते हैं ना, मोमेंटम कंजर्व है। तो जितना फोर्स वॉल बॉल के ऊपर लगाएगी उतना ही फोर्स बॉल भी वॉल के ऊपर लगाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। हमने वेक्टर में भी इसको डिस्कस कर लिया और फोर्स भी हमने डिस्कस कर लिया। तो दिस वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, डेफिनेटली क्वेश्चन इज आज इन द एग्जाम। तो आप अपनी तैयारी करें, रिवाइज करें, नोट्स में सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है, समझाया हुआ है, और यहाँ पर हमने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।